हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इंग्लिश ग्रामर में आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आप सभी जानते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके एकेडमिक्स में भी हर एग्ज़ाम में, चाहे वो टेंथ की एग्ज़ाम हो, चाहे ट्वेल्थ की एग्ज़ाम हो, या फिर कॉलेज में कोई एग्ज़ाम हो, आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन होते ज़रूर हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। मित्रों, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देना चाहता हूँ कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है, काफ़ी लंबा होने की वजह से मैंने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज हम इस वीडियो में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पहला पार्ट लेके आए हैं। तो आप ध्यान से सुने, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है और इसके बेसिक फॉर्मूला क्या है, अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें और इनको ऑब्जर्व करें कि ऊपर के सेंटेंस जो रेड कलर में दिए गए हैं तीन सेंटेंस, और नीचे जो ग्रीन कलर में तीन सेंटेंसेस दिए हैं, उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। एक सेंटेंस मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अब मैं फोर्थ सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। आप समझ गए होंगे कि ऊपर जो रेड कलर में सेंटेंस लिखा है वो आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहा है और वो एक्टिव वॉइस में है, और नीचे जो ग्रीन कलर में जो सेंटेंस लिखा गया है वो पैसिव वॉइस में है। इसमें आपका सब्जेक्ट जो है पैसिव हो गया, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, ऑब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस दिया गया है। तो हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। सबसे पहले हमें ये जानना है कि वॉइस क्या है, वॉइस कहते किसे हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब that shows whether the subject of a sentence performs the action or is affected by it. Voice हमें ये बताती है कि किसी भी वाक्य में subject खुद directly action ले रहा है या वह उस action के द्वारा प्रभावित हो रहा है, action उसके ऊपर लिया जा रहा है या वह खुद action direct ले रहा है। कहने का मतलब, अब जब सेंटेंस चाहे एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में हो, इसके एक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसकी मीनिंग पे एक्शन जो हो रहा है वो एज इट इज ही रहेगा, वही एक्शन एक्टिव में है वही पैसिव में है। लेकिन फोकस चेंज हो जाता है जब सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होता है, तो फोकस आपका सब्जेक्ट पे होता है, लेकिन वही सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में होता है तो आपका फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है। और डिटेल्स इसको जानने के लिए हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन को देखते हैं। एक्टिव वॉइस कनेक्टेड विद अ वर्ब हूज सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो वर्ब जिससे कनेक्टेड रहती है, जिस सब्जेक्ट से, वह सब्जेक्ट एक्शन का परफॉर्मर है, वही उसका डूअर है, वो उस काम को करने वाला करता है। या फिर दूसरे शब्दों में, अ वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग। हम उस वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहेंगे जब वर्ब हमें ये शो करे कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन ले रहा है, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है, कोई एक्शन ले रहा है, तो हम उसको एक्टिव वॉइस में मानेंगे। एग्जांपल के लिए, ही ड्राइव्स द कार, वह गाड़ी ड्राइव करता है, वह कार ड्राइव करता है, कार चलाता है। तो यहाँ पे वह सब्जेक्ट है और कार हमारा ऑब्जेक्ट है, और ड्राइव यहाँ पे एक्शन है, क्रिया है, वर्ब है। तो वह गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, तो चलाना इसमें एक्शन हो गया, कार ऑब्जेक्ट हो गया, और वह इसमें सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक्शन ले रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट आपका, ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, पैसिव वॉइस कनेक्टेड विद द फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। जब वर्ब के एक्शन से सब्जेक्ट अफेक्ट होता है, जब प्रभावित होता है, और उसको कम, उसको ऊपर जोर दिया जाता है, कम एम्फेसाइज दिया जाता है, कम स्ट्रेस उस पर दिया जाता है सब्जेक्ट पे, तो वो वर्ब पैसिव वॉइस में होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, द कार इज ड्राइवन बाय हिम। अब देखिए, एक्शन वही है, ऊपर कह रहा है कि वह कार ड्राइव करता है, नीचे कह रहा है कि उसके द्वारा कार ड्राइव की जाती है, कार उसके द्वारा ड्राइव की जाती है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया, एक्शन वही है लेकिन ऊपर के सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है, जबकि नीचे वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर फोकस है। तो मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, आपका एक्शन सेम रहता है, एक्शन वही रहता है, क्रिया वही रहती है, लेकिन आपका जो फोकस है
वो चेंज हो जाता है। जब एक्टिव वॉइस होगी तो आपका फोकस सब्जेक्ट रहेगा, और जब पैसिव वॉइस होगी तो वही फोकस सब्जेक्ट से हट के ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे चला जाता है, और सब्जेक्ट को एक इग्नोरेंट पार्ट के तौर पे देखा जाता है। जैसे कि द कार, तो यहाँ पे द कार शुरू में दे दिया, और वो उस पर एम्फेसाइज, जो उस पर स्ट्रेस दिया गया है, वो स्ट्रेस जो कि पहले सब्जेक्ट पे था। द कार इज ड्राइवन बाय हिम, कार उसके द्वारा चलाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि वॉइस क्या है, किसको हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे, किसको पैसिव वॉइस बोलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या फॉर्मूला इसमें लगेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ समझ लें कि सेंटेंस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं जो हमारे सेंटेंस के में होते हैं और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो तीन चीज़ें हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को जब हम पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, किसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, वर्ब क्या है, किसको हम वर्ब कहेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट हम किसको कहेंगे, ये चीज़ एक बार जानना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलेंगे तो कर्ता, द डूअर ऑफ द एक्शन और द पर्सन और थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन ए सेंटेंस इज द सब्जेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। किसी भी काम को करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन यानी काम को करने वाला अर्थात कर्ता, और द पर्सन और वह व्यक्ति और थिंग वह वस्तु दैट वी आर टॉकिंग अबाउट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। किसी वाक्य में अगर हम किसी की बात कर रहे हैं, किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की, तो वो भी हमारा सब्जेक्ट है। और किसी वाक्य में अगर कोई व्यक्ति कोई एक्शन कर रहा है, कोई कर्म कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, तो वो भी हमारा सब्जेक्ट है। तो आप सब्जेक्ट को समझ ले कि वो डूअर ऑफ द एक्शन है, एक्शन को करने वाला है, करता है वो। और अगर हम सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो वो भी हमारा सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ही इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे ही की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे उसने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन हम बात कर रहे हैं ही की। ही इज अ डॉक्टर में ही सब्जेक्ट है। ही इज राइटिंग अ लेटर, अब यहाँ पे राइटिंग का काम हो रहा है तो एक्शन हो रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, ही कर रहा है, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ब की ओर। द एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस इज नोन एज वर्ब, किसी भी वाक्य में जो एक्शन वर्ड है, जिस वर्ड से, जिस शब्द से हमें किसी क्रिया का बोध होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। अब अगला हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ऑब्जेक्ट सेंटेंस में। द रिसीवर ऑफ द एक्शन, सेंटेंस का वह पार्ट, सेंटेंस में वह वर्ड जो एक्शन को रिसीव करता है। सब्जेक्ट ने एक्शन लिया, वर्ब ने एक्शन शो किया, और उस एक्शन को जिसने रिसीव किया, जिसके ऊपर उस एक्शन का प्रभाव हुआ, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। और ए नाउन और प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, या फिर वो कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है जो कि सब्जेक्ट के द्वारा लिए गए एक्शन से सीधा सीधा प्रभावित हो रहा है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने एक सेंटेंस लिया यहाँ पे, ही राइट्स अ लेटर। ही इसमें सब्जेक्ट है, राइट्स इसमें वर्ब है, और अ लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है। एस मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब, ये एब्रीविएशन है, संक्षिप्त रूप है। एस डॉट मीन्स सब्जेक्ट है, वी मतलब वर्ब है, और ओ मतलब ऑब्जेक्ट है। तो ही इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि ये डूअर ऑफ द एक्शन है, काम को कर रहा है। क्या काम है, राइट्स, लिख रहा है, लिखने का काम कर रहा है। तो जो एक्शन वर्ड हो गया, राइट हो गया, ये आपकी वर्ब है, और ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। अब सेंटेंस में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के दृष्टिकोण से हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मुझे विश्वास है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। अब हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है कि क्या रीज़न है कि हम एक्टिव वॉइस यूज करते हैं। रीजन्स टू यूज़ द एक्टिव वॉइस, क्या वजह है जिसकी वजह से हम एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं। मोस्ट राइटर्स प्रीफर टू यूज एक्टिव वॉइस बिकॉज इट इज़ मोर डायरेक्ट। मैंने शुरू की स्लाइड में ये बात कही कि एक्टिव वॉइस में राइटर्स या स्पीकर्स इसलिए इसको प्रीफर करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सीधी है, सटीक है। अब नीचे मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, इनको कंपेयर करके देखते हैं, इनकी तुलना करके देखते हैं। एक्टिव वॉइस में पहला सेंटेंस है, द वेटर ड्रॉप्ड द ट्रे ऑफ फूड, वेटर ने खाने की ट्रे गिरा दी, ये एक्टिव वॉइस में है। दूसरा पैसिव वॉइस में, द ट्रे ऑफ फूड वॉज ड्रॉप्ड बाय द वेटर,
खाने की ट्रे वेटर के द्वारा गिराई गई। अब आप खुद निर्धारित कीजिए कि कौन सी बात यहाँ पे ज़्यादा डायरेक्ट है, मोर डायरेक्ट कौन सा एक्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। मेरे हिसाब से एक्टिव वॉइस में कही गई बात द वेटर ड्रॉप्ड द ट्रे ऑफ फूड ज़्यादा डायरेक्ट है, इसलिए वो एक्टिव वॉइस लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब फिर पैसिव वॉइस की क्या ज़रूरत पड़ गई, पैसिव वॉइस क्यों यूज़ किया जाता है, आइए जानते हैं उसके बारे में भी। वेन टू यूज़ पैसिव वॉइस, इन जनरल द पैसिव वॉइस इज लेस डायरेक्ट। अगर हम तुलना करके देखें तो एक्टिव वॉइस की तुलना में पैसिव वॉइस कम डायरेक्ट है, इतना सीधा नहीं है जितना कि एक्टिव वॉइस है। लेस फोर्सफुल, और इसमें आपको ज़्यादा फोर्स भी नज़र नहीं आएगी। एंड लेस कंसाइज, और ये छोटा भी नहीं है उसकी तुलना में बड़ा है। देन द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की तुलना में ये थोड़ा बड़ा है, कम फोर्सफुल है और कम सटीक है, कम डायरेक्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है। अब फिर हम पैसिव वॉइस यूज़ क्यों करते हैं, जब ये लेस डायरेक्ट है, लेस फोर्सफुल है, लेस कंसाइज है, सारी इसमें कमियां हैं, तो हम फिर पैसिव वॉइस यूज़ क्यों करते हैं, उसके पीछे हम दो चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ ग्रीन कलर में यहाँ पे लिखी गई है, यूज़ पैसिव वॉइस व्हेन यू डू नॉट नो और डू नॉट वॉन्ट टू रिवेल द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। पैसिव वॉइस आप तब यूज करें जब आप चाहते हैं कि आपका जो परफॉर्मर है एक्शन का या जो सब्जेक्ट है उसको आप या तो बताना ना चाहें, या फिर आप उसको इग्नोर करना चाहें, या फिर आप उसको जानते ही नहीं हैं कि सब्जेक्ट कौन है। जो डूअर ऑफ द एक्शन है, जिसको अगर हमें पता नहीं है कि ये काम किसने किया है, एक तो ये स्थिति हो गई। दूसरी ये होगी कि हम बताना नहीं चाहते हैं कि कौन किसने इसका एक्शन लिया, कि कौन इसमें करता है, तो ऐसी स्थिति में हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। उदाहरण यहाँ पे देखिए, अ लेटर इज रिटन, एक पत्र लिखा जाता है, किसने लिखा पता नहीं, हम उसको बताना नहीं चाह रहे हैं या फिर हमें जानकारी ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब हमें एक्शन का वो डूअर जो है उसका पता नहीं है, या फिर हम उसको बताना नहीं चाहते लोगों को, वक्ताओं को, ऑडियंस को, तो ऐसी स्थिति में हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। दूसरी जो कंडीशन है जब हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं वो ये है, यूज पैसिव वॉइस व्हेन यू वांट टू एम्फेसाइज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। जब हम सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर देना चाहें, हम रिसीवर ऑफ द एक्शन उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करें, तो ऐसी कंडीशन में भी हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे, राम वाज हेल्प्ड बाय हिज फ्रेंड, राम उसके मित्र के द्वारा मदद किया गया, मतलब राम की मदद उसके मित्र ने की, तो यहाँ पे राम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, राम पे ज़्यादा एम्फेसाइज डाला गया, उसके फ्रेंड को यहाँ पे इग्नोर किया गया है। राम वॉज हेल्प्ड बाय हिज फ्रेंड, राम उसके मित्र के द्वारा राम की मदद की गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमें स्पीकर जो जब किसी डूअर ऑफ द एक्शन जो और जो जो कि सब्जेक्ट है उसके बारे में बताना नहीं चाहता, या जो स्पीकर है उसको खुद को ही पता नहीं है कि डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, ऐसी कंडीशन में पैसिव वॉइस यूज करते हैं। या फिर हम सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोर्स देना चाहें तो हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। अब पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, इनके इंटरचेंज में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम जान लेते हैं। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी बात यह है कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, केवल ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस को ही हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे। वर्ब जो है अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार तीन तरीके से डिवाइड की जा सकती है, वर्ब को हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब के कर्म के अनुसार वर्ब को तीन तरीके से बांटा जा सकता है। वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट मे बी डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। हिंदी में हम बोलेंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया बोलते हैं, इनट्रांजिटिव को अकर्मक क्रिया बोलते हैं और डाई ट्रांजिटिव को द्विकर्मक क्रिया बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन देखें, ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, जब किसी वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, तो हम उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। नीचे एग्जाम्पल देखिए, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ,
यहाँ पे वर्ब है ईट, ईट के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया फूड, इसलिए ये वर्ब हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको हम पैसिव में बदल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फूड इज ईटन बाय मी, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, आसानी से हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब का है, इसमें वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, वर्ब में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ, अब क्या खाता हूँ यहाँ पे पता नहीं है इसमें, इसलिए इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस भी बनाना पॉसिबल नहीं है, पैसिव वॉइस इसका नहीं बनेगा। तीसरा जो प्रकार है वर्ब का वो है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, द्विकर्मक क्रिया, वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। अब इसमें वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई गेव हिम एप्पल्स, गेव आई सब्जेक्ट है, गेव इसमें वर्ब है, हिम एक ऑब्जेक्ट हो गया और एप्पल्स दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें एक प्रोनाउन और एक नाउन है, तो एक ऑब्जेक्ट एक की बजाय यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं। जब वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो उस क्रिया को हम द्विकर्मक क्रिया या डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसके दो पैसिव वॉइस बनते हैं। जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उस क्रिया को द्विकर्मक क्रिया या डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और उसके दो पैसिव वॉइस बन सकते हैं उस सेंटेंस के। जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पे है आई गेव हिम एप्पल्स, तो यहाँ हम हिम से भी, हिम जो ऑब्जेक्ट है इससे भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, और एप्पल्स जो ऑब्जेक्ट है उससे भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसके सेकंड पार्ट में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो सेकंड पार्ट है उसमें डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं हम सीखेंगे। फिलहाल हम इसकी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। आने वाले वीडियो में, आने वाले स्लाइड्स में हम कुछ एब्रीविएशंस, कुछ संक्षिप्त यूज़ कर रहे हैं, एब्रीविएटेड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आप उनको ऐसे समझे। वर्ब वन का मतलब प्रेजेंट टेंस, जैसे कि गो है, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हम इसको वर्ब वन लिखेंगे आगे। वर्ब टू पास्ट टेंस है, जैसे गो का पास्ट टेंस वेंट हो गया। वर्ब थ्री मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को वर्ब थ्री लिखेंगे हम, जैसे गो की थर्ड फॉर्म गॉन हो गई। वर्ब फोर मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे कि गो का थर्ड फोर्थ फॉर्म गोइंग हो गया। तो इस तरीके से आप अगर आगे वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर देखें तो आप इनको इस तरीके से समझने का प्रयास करें। अब जब हम एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज होता है वो टेंस में चेंज होता है, चेंज ऑफ टेंस इन वॉइस। तो यहाँ पे एक टेबल दी गई है, हम देखते हैं कि हमारे पास में तीन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और सभी टेंस के चार चार फर्दर सब डिविजन्स हैं, जैसे कि इंडेफिनेट या सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल 12 टेंस हो गया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो एक्टिव से पैसिव है वो 8 टेंस में बनेगा, बाकी के 4 टेंस में नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें बी फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी मौजूद होती है, और एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ब की दो अलग अलग फॉर्म नहीं आ सकती है, इसलिए हम बाकी के 4 टेंस में एक्टिव से पैसिव नहीं बना पाएंगे। पहले आप ये बेसिक चीज़ें देखें, एक्टिव से पैसिव 8 टेंस में कैसे बनता है। जब प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, जिसमें कि डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, तो उसको हम पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगी, और उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, और वर्ब की आई एन जी फॉर्म मीन्स वी फॉर यूज करते हैं। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो इज एम आर के साथ में बींग जोड़ देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी उसके बाद। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, लेकिन जब हम उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हैज हैव के साथ में बीन जोड़ देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज यूज करेंगे। अब पास्ट टेंस में, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वॉज और वर यूज होगा, और इसमें वर्ब की सेकेंड और फर्स्ट फॉर्म यूज होती है पास्ट सिंपल में, लेकिन जब पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वॉज वर्ब के साथ में बीइंग लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हैड के साथ पहले बीन लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस में विल सेल का प्रयोग होगा, लेकिन
जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो विल सेल के साथ में बी भी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेल हैव विल हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सेल हैव विल हैव के साथ में बीन भी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बाकी के चार टेंस जिनमें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, साथ ही साथ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इन चारों टेंसों के एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। उसका रीज़न मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि इनमें बी फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी होती है, इसलिए जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का देखिए हैज़ बीन उसमें ऑलरेडी आता है, तो फिर जब इसको पैसिव बनाएंगे तो फिर से बीन, तो हैज़ बीन बीन संभव नहीं है। तो एक ही वर्ब की एक सेंटेंस में दो फॉर्म, सेम फॉर्म आना गलत माना जाता है ग्रामेटिकली, इसलिए इन चारों टेंस में पैसिव वॉइस आपका नहीं बनेगा। चलिए टेंस का हमने चेंज देख लिया, अब प्रोनाउन का जो बदलाव है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं हम अगली स्लाइड में देखते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, एक्टिव वॉइस में जो भी प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, लेकिन जब हम उनको पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तो हम उनको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे यूज करेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में हिम में चेंज हो जाएगा, सी हर में बदल जाएगा, दे देम में बदल जाएगा, यू यू ही रहेगा, देयर भी देयर रहेगा, आई मी में बदल जाएगा, वी अस में बदल जाएगा और इट में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपके प्रोनाउन में भी बदलाव होंगे। तो जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज करें तो प्रोनाउंस को इस तरीके से चेंज करें, सब्जेक्ट प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में बदल दें और टेंस में इस टेबल के अकॉर्डिंग चेंजेज आएंगे, जो कि मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। अब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलाव करते हैं एक एक करके सभी टेंस में एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं क्या फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये इसका सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है। सब्जेक्ट होगा कर्ता होगा, वर्ब क्रिया होगी और ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में। उदाहरण के तौर पे ही राइट्स अ लेटर, ही इसमें सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और अ लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस की संरचना कुछ इस तरीके से होगी, ऑब्जेक्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद इज एम आर, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल है, इज है तो इज, एम है तो एम और आर है तो आर लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद बाई लगेगा और उसके बाद सब्जेक्ट सबसे लास्ट में चला जाएगा। जैसे इसी सेंटेंस को हम चेंज करके देखें तो इसमें अ लेटर ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमने ले लिया अ लेटर। अ लेटर एक वचन है, सिंगुलर है, अ लेटर के साथ में एक वचन के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो हमने इज लिख दिया। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न है तो यहाँ पे राइट की जगह पे रिटर्न कर दिया, बाय हमेशा इसके साथ लगेगा और ही जो अपना सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसको बदल के हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कर दिया तो ही हिम में बदल गया। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला जो है इस तरीके से लगेगा। अगर आप इस फॉर्मूला को फॉलो करोगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जितने भी आपके सेंटेंसेज होंगे उनको आप एक्टिव से पैसिव आसानी से बना सकते हो। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप एक एक करके देखें। वी डू नॉट राइट अ लेटर, वी डू नॉट राइट अ लेटर डू हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस को पहचानेंगे कि इसमें कौन सा टेंस है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो है उसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही हमें टेंस के बारे में बताती है। तो डू यहाँ पे यूज हुआ है तो निश्चित रूप से ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो उस प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला ऊपर दिया गया है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में होता है, लेकिन जब उसको पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, इस तरीके से उसका पैसिव बनेगा। इसी सेंटेंस को हम बना के देखते हैं। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमें लिखना है तो लेटर, अ लेटर ऑब्जेक्ट हमने लिखा, उसके बाद अ लेटर एक वचन है इसलिए हमने इज लिखा, नॉट अपनी जगह एज इट इज आ गया, उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हमने लिखी, बाई अपनी जगह आ गया और वी उसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन था उसको हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज किया तो वी की जगह पे अस हो गया। तो हमने देखा कि बड़ी आसानी से इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना दिया। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं, सी कुक्स डिलीशियस फूड, वह स्वादिष्ट खाना पकाती है। तो वर्ब में एस और ई एस आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लगते हैं,
तो ये भी अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो बड़ी आसानी से जान जाएंगे कि ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं हम, तो डिलीशियस फूड आपका ऑब्जेक्ट है, स्वादिष्ट खाना आपका ऑब्जेक्ट है, उसको हमने सबसे पहले ले लिया। अब फूड एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो डिलीशियस फूड के साथ में लगेगी इज। डिलीशियस फूड इज कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड होगा, तो डिलीशियस फूड इज कुक्ड बाय, और सीक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसको जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो हर आ जाएगा, डिलीशियस फूड इज कुक्ड बाय हर। आप बड़ी आसानी से इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस, दे प्ले क्रिकेट, इसमें दे सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो क्रिकेट जो हमारा ऑब्जेक्ट है सबसे पहले आ जाएगा। क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए हम इज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होगी, तो हमने यहाँ पे प्लेड यूज़ किया, बाई आई गया अपनी जगह पे, और दे जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसको जब हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में बदलेंगे तो देम हो जाएगा, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला है उसमें आप देखिए, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद वर्ब फोर, वर्ब फोर का मतलब वर्ब की आई एन जी फॉर्म, जिसको हम इंग्लिश में नाम देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आई एन जी फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा। उदाहरण यहाँ पे दिया गया, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ही के लिए इज ही यूज होता है, राइटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, राइट की फोर्थ फॉर्म राइटिंग हो गया, और अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम और आर तीनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और उसके बाद में बीइंग लगेगा, बी ई आई एन जी बीइंग लगेगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ऊपर दिए हुए सेंटेंस को हम चेंज करके देखें तो उसमें ऑब्जेक्ट है अ लेटर, अ लेटर को हमने सबसे पहले ले लिया, एक वचन होने की वजह से अ लेटर के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, और उसके बाद बीइंग लग गया, और राइट के थर्ड फॉर्म रिटर्न, और बाई अपनी जगह आ गया, और ही को जब हमने चेंज किया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में तो हिम बन गया, तो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। मैंने पहले भी बोला है कि एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, आपके एक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आता, केवल मात्र जो चेंज आता है वो आपका फोकस चेंज हो जाता है। एक्टिव वॉइस में फोकस में आपके सब्जेक्ट रहता है, जबकि पैसिव वॉइस में फोकस में आपके ऑब्जेक्ट रहता है। तो इसके भी हम बाकी के एग्जाम्पल्स देख करके चीज़ों को और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर, एक नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे हमने लिखा है, वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर, आर के साथ आई एन जी फॉर्म, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसका जो फॉर्मूला है वही हम फॉलो करेंगे, अ लेटर सबसे पहले ले लेंगे, सिंगुलर है तो इज आ गया, नॉट अपनी जगह पे आएगा, बींग हमने वर्ब से पहले जोड़ दिया, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न है, बाई अपनी जगह, और वी जो कि हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसको चेंज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस में कन्वर्ट हो गया, तो हमारा सेंटेंस बना अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय अस, हमारे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जा रहा है, ये आपकी पैसिव फॉर्म हो गई। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, सी इज कुकिंग डिलीशियस फूड, डिलीशियस फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, इसमें भी सेम वही डिलीशियस फूड के साथ में इज और बीइंग लग गया, कुक्ड बाय हर आपका पैसिव वॉइस तैयार हो गया। तीसरा सेंटेंस, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका सेंटेंस अगर हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, क्रिकेट अपना ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, क्रिकेट सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, बीइंग अपनी जगह पे आएगा, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया, और बाय अपनी जगह पे आ गया, और दे को चेंज किया तो देम में बदल गया, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे हम चेंज करते हैं, बड़ी आसानी से आपने सीखा और समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, आप एक बार इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का फॉर्मूला है, संरचना है।
इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ही हैज़ रिटर्न अ लेटर, ही सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर है तो हैज़ इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न है तो क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही आती है तो यहाँ पे रिटर्न वर्ड यूज होगा और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट अ लेटर आ गया। तो यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ही हैज़ रिटर्न अ लेटर, ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको फॉर्मूला यूज करना है जो यहाँ पे दिया गया है ब्लैक इंक से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से कोई एक आपको चुननी है। उसके बाद बीन आपको कंपलसरी लगाना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपको बाई यूज करना है और लास्ट में आपका सब्जेक्ट आएगा। उदाहरण के तौर पे सेम सेंटेंस को अगर हम चेंज करके देखें तो अ लेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट है सबसे पहले आ गया, सिंगुलर है तो हमने हैज का यूज़ किया, और उसके बाद बीन जो कि हमें जोड़ना ही है वो बीन हमने जोड़ दिया। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न एज इट इज आ गई, बाई आ गया और ही को चेंज किया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में तो हिम में बदल गया, तो हमारा सेंटेंस बना अ लेटर हैज़ बीन रिटर्न बाय हिम। अब हम इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। वी हैव टॉट देम, वी हैव टॉट देम, हम उनको सिखा रहे हैं। दे हैव बीन टॉट बाय अस, वे हमारे द्वारा सिखाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। तो देखा यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वी प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हैव आ गई। टॉट टीच की थर्ड फॉर्म टॉट है, देम आपका ऑब्जेक्ट है तो देम जो ऑब्जेक्ट है जब उसको हम पैसिव वॉइस में बनाया तो देम जो सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है उसको हमने सब्जेक्ट में चेंज किया तो देम दे में बदल गया। तो यहाँ सबसे पहले दे आया, अब दे हेल्पिंग सब्जेक्ट है ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी, दे हैव बीन अपनी जगह पे आना ही है। और टॉट थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे है तो एज इट इज़ हम टॉट को टॉट ही यूज करेंगे। बाई आ गया अपनी जगह पे, और वी जो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन था उसको जब हमने चेंज किया पैसिव वॉइस में तो वी अस में बदल गया, तो हमारा सेंटेंस हो गया दे हैव बीन टॉट बाय अस, पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, ही हैज़ रिटन मैनी आर्टिकल्स, उसने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसी को जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो मैनी आर्टिकल्स जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ जाएगा। आर्टिकल्स वर्ड जो है प्लूरल है, बहुवचन है इसलिए हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और बीन अपनी जगह पे एज इट इज आ गया। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न वहाँ भी है, यहाँ भी रिटर्न ही आएगा। बाई और ही को हमने बदल दिया हिम में। तो बड़ी आसानी से देखा आपने कि कैसे हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना लिया। तीसरा आपका उदाहरण है, द कमिटी हैज़ सबमिटेड द रिपोर्ट, कमिटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है, जमा कर चुकी है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे द रिपोर्ट आपका ऑब्जेक्ट है तो देखिए द रिपोर्ट सबसे पहले आएगा, द रिपोर्ट हमने सबसे पहले लिया। अब रिपोर्ट एक एक वचन है इसलिए हैव नहीं, यहाँ पे हैज आया है, हैज बीन अपनी जगह पे आ गया, सबमिट के थर्ड फॉर्म सबमिटेड है अपनी जगह पे सबमिटेड आ गया, बाई आना ही है और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट एज इट इज यहाँ पे आ गया। द कमिटी जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में हमने रख दिया तो हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना द रिपोर्ट हैज़ बीन सबमिटेड बाय द कमिटी। तो देखा हमने किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हमने बड़ी आसानी से बना के देखा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से संबंधित जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम हमारे आने वाले वीडियो में इसमें पास्ट और फ्यूचर टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं और जब डबल ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में होते हैं तो हम कैसे उसका डबल ऑब्जेक्ट से दो पैसिव बनाते हैं आने वाले वीडियो में देखेंगे, और तीसरे वीडियो में हम देखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ऐसे कौन से सेंटेंस है जहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं होता है, क्या ऐसे भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस है जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बजाय फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास सीखने के लिए अभी बची हुई है इस टॉपिक में। मुझे विश्वास है कि आज जो कुछ भी पढ़ाया गया आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपको ठीक से इंग्लिश ग्रामर समझ में आ रही है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घर बैठे एक आसान तरीके से सिंप्लीफाइड मैनर में इंग्लिश ग्रामर सीखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।